वेलकम माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन विद आंसर, जो कि 100% क्वेश्चन फॉर उड़ीसा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020-21। मैं आज जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट टू है। अगर चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 11 क्वेश्चन ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो डिस्कशन करेंगे हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ एन इन्फांट। इन्फांट में जो हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होता है जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, वो किस वजह से होता है? क्योंकि लंग में जो सर्फेक्टेंट रहता है उसके डेफिशिएंसी की वजह से हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होता है। और ये जो सर्फेक्टेंट होता है ओके, इसका सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट डिजीज। ओके, इसका सोर्स कहाँ से आता है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट कहाँ से आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, बी ऑप्शन में कैपिलरी एंडोथेलियम, सी ऑप्शन में ओके निमोसाइट्स टाइप 1, नंबर डी में, डी ऑप्शन में निमोनोसाइट्स टाइप 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओके डी ऑप्शन ओके निमोनोसाइट्स टाइप 2। ये है सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज निमोनोसाइट्स टाइप 2। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 12 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस। ओके देखो ये ऑप्शन में हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी में हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन सी में हेपेटाइटिस सी वायरस, ऑप्शन डी में हेपेटाइटिस डी वायरस। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए। ओके तो आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस होगा। ओके बी ऑप्शन होगा। ओके जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए वायरस ओके और हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस, ये जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। और हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है ये ट्रिपल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। तो आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस ओके, इट्स ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ओके इसको जरूर याद रखना है। सो 13 में देखेंगे टू डू पर्कशन एंड पोस्टरल ड्रेनेज ऑफ लंग इन ब्रोंकाइटिस, व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन नॉर्थ शुड यू। अगर परकशन करना है और पोस्टरल ड्रेनेज करना है ब्रोंकाइटिस पेशेंट में, तो एक नर्स क्या पोजीशन देगा पेशेंट को? ओके एक तो सुपाइन पोजीशन, बी प्रोन पोजीशन, सी डेक्यूबिटस पोजीशन, डी सेमी फाउलर्स पोजीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोन पोजीशन होगा। इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद 14 में देखेंगे पेशेंट ऑन एनालेप्टिक एंड डायरेटिक्स थेरेपी हार्ट फेलियर। एक हार्ट फेलियर पेशेंट ऑलरेडी एनालाप्रिल ले रहा है और डायरेटिक्स ले रहा है। ओके तो नर्स शुड नोटिफाई द पेशेंट दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव एंड शी फाइन। ओके मीन नर्स पेशेंट को नोटिफाई करेगा कि थेरेपी इफेक्टिव नहीं है, कौन सा साइन एंड सिम्टम वो फाइंड आउट करेगा जिसके वजह से पेशेंट को नोटिफाई करेगा। ए ऑप्शन में ड्राई कॉफ, बी ऑप्शन में स्क्रीन रैश, सी ऑप्शन में एडिमा लैक्स, डी ऑप्शन में पोस्टरल फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा? एडिमा लैक्स होगा। ओके इसको जरूर याद रखना है। ओके अगर ये फाइंड आउट करता है तो नर्स, तो ये दोनों मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद 15 में देखेंगे 30 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज अल्सर ओवर लैटरल मालुइसियम। ओके मेलेयुअल ओके मालेयुलस ओके लैटरल मेलुलस में अल्सर हुआ है 30 ईयर ओल्ड पेशेंट, नर्स उसको केयरिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओके पेशेंट का पेन हो रहा है, किस वजह से? ओके इस्किमिया के वजह से उसको पेन हो रहा है। इसको जरूर याद रखना है। तो ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। ओके उसके बाद नंबर 16 में देखेंगे नर्स केयरिंग फॉर ए रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट विद मॉलुस्कम कॉन्टाजियोसम। ओके नर्स एक पेशेंट को रिट्रोपोजिटिव पेशेंट को केयर दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको क्या हुआ है? मॉलुस्कम कॉन्टाजियोसम हुआ है, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन किस कौन सा वायरस की वजह से हुआ है? ए ऑप्शन पॉस वायरस, बी ऑप्शन में पैपिलोमा वायरस, सी ऑप्शन में एप्स्टीन बार वायरस, डी ऑप्शन में हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस।
तो इसका आंसर क्या होगा, पॉक्स वायरस। ओके, पॉक्स वायरस की फैमिली में ये रिट्रोपोजिटिव और मोलिस्कम कॉन्टाजियोसम ओके आता है, इसको जरूर याद रखना है। उसी बात दोस्तों देखेंगे, नॉट इज एवाउ टू इंसर्ट राइल स्टीम फॉर ए पेशेंट बिफोर दिस एक्ट सी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिजर टीथ एंड द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो जब भी एक पेशेंट में नर्स एक पेशेंट को जो राइल स्टीम इंसर्ट कर रहा है ओके, तो इंसिजर टीथ और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन में कितना डिस्टेंस रहता है ओके, कौन सा डिस्टेंस। तो याद रखिए जो एक्चुअली राइल स्टीम रहता है उसका नॉर्म जनरली लेंथ रहता है 125 सेंटीमीटर, कितना रहता है 125 सेंटीमीटर। साइज कितना से कितना रहता है, 6 टू 18 एफआर रहता है और फ्रेंच बोलेंगे उसको, एडल्ट में 14 टू 18 फ्रेंच लगता है और बच्चों में 10 टू 14 फ्रेंच लगता है। ओके, जो राइल स्टीम में फर्स्ट मार्किंग स्टार्ट होता है 40 सेंटीमीटर ओके, उसके बाद सेकेंड जो मार्किंग होता है 50 सेंटीमीटर ओके, थर्ड मार्किंग जो होता है 60 सेंटीमीटर और जो फोर्थ मार्किंग होता है वो 70 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 40 सेंटीमीटर होगा, ये होगा राइट आंसर, इसको जरूर याद रखें। उसके बाद 18 में देखेंगे, ये नर्स इज ए नर्स कैन डी कॉन्टामिनेट द एचआईवी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, जो कि नीचे दिया गया चार ऑप्शन एक को छोड़ के बाकी एचआईवी कॉन्टामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को नर्स डी कॉन्टामिनेट करेगा, वो कौन सा है ओके, वो ऑप्शन है मिथानॉल ओके, मिथानॉल में हमको उसको क्या नहीं करना है, डी कॉन्टामिनेट नहीं करना है ओके। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 19 में, 25 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट हैड स्वेटिंग पल्पिटेशन एंड फाउंड टू हैव ब्लड शुगर ऑफ 45 मिलीग्राम पर डीएल, मल्टीपल सिमिलर एपिसोड हैड बीन रिकॉर्डेड इन द पास्ट corrected with glucose, nurse caring for this patient should consider which one of the following diagnosis, VIPoma okay, uske baad insulinoma okay, gastrinoma, glaucagnoma okay, to answer kya hoga, insulinoma ke vyasi upar hai okay। uske baad 20 mein dekhenge, nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady, एक प्रेग्नेंट लेडी को नर्स क्या करने जा रहा है, कैथेटराइज करने जा रहा है, शी शुड बी अवेयर ऑफ दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा टू ओके, नीचे दिए गए चार ऑप्शन में सब ट्रू है एक को छोड़ के ओके, ए ऑप्शन में इट इज अबाउट 1.5 इंचेस इन लेंथ, बी ऑप्शन में इट इज पुश्ड टू वेजिनल ओरिफिस, सी ऑप्शन में इट इज पियर्सेस थ्रू यूरोजेनिटल डायफ्राम ओके, डी ऑप्शन में इट इज स्ट्रेट एंड offers minor resistance for catheterization, to answer will be the B okay, isko chhod ke east posterior to vaginal orifice isko chhod ke baki okay sab theek hai related to catheterization, isko zarur yaad rakho। uske baad dekhenge 21 okay, which one of the following cancer that do not metastasize commonly to liver, ओके कौन सा नीचे दिया गया कौन सा कैंसर जो मेटास्टेसिस नहीं करता है लीवर, ए ऑप्शन ब्रेस्ट कैंसर, बी ऑप्शन लंग्स कैंसर, सी ऑप्शन कोलन कैंसर, डी ऑप्शन प्रोस्टेट कैंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर, इसको जरूर याद रखना है ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि मेटास्टेसिस नहीं होता है ओके। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नवंबर 22, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग ओके, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग ओके एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सब पैराथायरॉइड हार्मोन का डायरेक्ट एक्शन है, ए ऑप्शन इनक्रीज रिजर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बी इनक्रीज अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन इनक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, डी ऑप्शन इनक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डायहाइड्रोक्सी विटामिन डी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा ओके, इंक्रीज अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी को छोड़ के बाकी सब पैराथायरॉइड हार्मोन का डायरेक्ट एक्शन है ओके। उसके बाद 23 में देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैंसर है इन्फेक्टिव इटियोलॉजी एक्सेप्ट, ए क्वामस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस,
बी ऑप्शन में क्वामस कार्सिनोमा ऑवलम्स, सी बर्किट्स लिम्फोमा, डी कापुसी सारकोमा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वामस ओके कार्सिनोमा ऑवलम्स। ओके तो यहाँ पर एक चीज हमेशा हमको याद रखना चाहिए ओके जो क्वामस सेल कार्सिनोमा पेनिस होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा के वजह से होता है। ये जो होता है एचपीवी के वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा के वायरस के वजह से होता है ओके एचपीवी के वजह से होता है। ओके क्वामस कार्सिनोमा लंग जो होता है वो टोबैको स्मोकिंग, टोबैको हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग के वजह से ये होता है। बर्किट लिम्फोमा जो होता है ये एपस्टीन बार वायरस के वजह से होता है, ईबीवी इसको भी बोल सकते हैं, एपस्टीन बार वायरस भी बोल सकते हैं इसको ओके इसके वजह से होता है। और कापुसी सार्कोमा जो होता है, कापुसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस की वजह से होता है। तो लंग्स मीन ये जितना भी बोला तीन टू ए सी और डी बोला ये इन्फेक्टिव इटोलॉजी इसका है, बट बी का जो है इन्फेक्टिव इटोलॉजी नहीं है। उसके बाद 24 में देखेंगे ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेल ओके। ए ऑप्शन इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ओके। बी ऑप्शन हाइड्रोजन इन प्रेगनेंसी इज टेराटोजेनिक। सी ऑप्शन सप्लीमेंटेशन ड्यू मोर्टालिटी इन मीजल्स। डी सप्लीमेंटेशन ड्यू मॉर्बिडिटी इन डायरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन ओके। अगर डायरिया हो रहा है तो मॉर्बिडिटी ओके कमाने के लिए विटामिन ए सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता है ओके। उसी बात दोस्तों देखेंगे 25 व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी अडॉप्टेड बाय नर्स टू अवॉइड हेमाटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेनी पंक्चर। जब भी हम वेनी पंक्चर कर रहे हैं, कुछ भी अगर इंट्रावेनस अगर इंजेक्शन दे रहे हैं, वेन को अगर पंक्चर कर रहे हैं तो एक नर्स का एक्चुअली बेस्ट इंटरवेंटिव मेजर क्या होना चाहिए हेमाटोमा को अवॉइड करने के लिए? ई ऑप्शन में चूज ए वेन दैट इज सॉफ्ट एंड रिफिल फास्ट। बी ऑप्शन टैप द वेन हार्ड बिफोर वेनी पंक्चर। सी अप्लाई फर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोसीजर। डी ऑप्शन अप्लाई हेपरिन कंटेनिंग ऑइंटमेंट आफ्टर प्रोसीजर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन ओके। तो सी ऑप्शन किस लिए होगा? जब भी हम कोई भी अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे हैं, जब दे दिया जिस टाइम हम इंजेक्शन को बाद नीडल को जब निकालते हैं उसी टाइम वहां पर क्या 1 मिनट हमको प्रेस करना पड़ेगा, या वो आदमी प्रेस करेगा तो क्या नहीं होने का चांसेस है ओके हेमाटोमा होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद 26 में देखेंगे नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरापी शुड नो दैट इट हैज टू बी मॉडिफाइड ओके। जब भी एक नर्स अगर पेशेंट को अगर ऑक्सीजन थेरापी दे रहे हैं तो ऑक्सीजन को किस वजह से मॉडिफाई किया जाता है? ए ऑप्शन में ऑक्सीजन इज हॉट एयर एंड इट मे बर्न ट्राकिया। बी ऑप्शन ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकेंस द म्यूकस। सी ऑप्शन ऑक्सीजन गेट्स क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन। डी में ऑक्सीजन इज इजीली अब्सॉर्ब्ड बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड हाइड्रोजन आयन टू इट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकेंस द म्यूकस, इसीलिए ह्यूमिडिफाई किया जाता है। उसके बाद 27 में देखेंगे नर्स एंगेज्ड इन सक्शन प्रोसेस ऑफ ट्राकियोस्टोमी इन इनसिटू पेशेंट ओके। अगर एक तो इनसिटू पेशेंट में नर्स सक्शन कर रहा है ट्राकियोस्टोमी पेशेंट ओके हु रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, जो कि बार बार उसको फ्रीक्वेंट सक्शनिंग लग रहा है, हाउ लॉन्ग शी शुड डू सक्शनिंग एवरी टाइम ओके। तो सक्शनिंग में जो प्रेशर दिया जाता है 18 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया जाता है। नॉर्मली जो रहता है टाइम 5 to 10 सेकंड रहता है सक्शनिंग का, जो मैक्सिमम सक्शन टाइम शुड ओनली बी 15 सेकंड होना चाहिए ओके। तो आंसर विल बी द 15 सेकंड ओके, आंसर विल बी द 15 सेकंड, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद देखेंगे नंबर 28 में नर्स टेकिंग केयर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी इज बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्टफीडिंग ओके। नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी को केयर दे रहा है ओके, वो पूछ रहा है कि कितना टाइम में ब्रेस्टफीडिंग लेना चाहिए, व्हाट शुड बी हर एप्रोप्रिएट रिप्लाई ओके, उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए ओके। ए ऑप्शन में 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, बी 4 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, सी 6 आवर आफ्टर डिलीवरी, डी 8 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, बट इन टुडेज डे ओके मैंने विद इन 1 आवर में दिया जा रहा है, सुन है पॉसिबल दिया जा रहा है ओके। उसके बाद 29 में देखेंगे ये नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट ईटिंग मेज अलोन में लीड टू ओके। नर्स को पता होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अगर मेज खा रहा है
तो उसको क्या होने का ज्यादा चांस है, ए ऑप्शन में बेरीबेरी, बी ऑप्शन में पैलेग्रा, सी ऑप्शन में स्कॉर्बी, डी ऑप्शन में हारिनोडोन। जो मेज खाते हैं उनमें पेलेग्रा होने का ज्यादा चांसेस रहता है। पेलेग्रा, पेलेग्रा क्या होता है, विटामिन B3 और नियासिन और निकोटिनामाइड के वजह से पेलेग्रा होता है। ओके, 30 में देखेंगे ये नॉर्स ऑब्जर्व्स पाल्मर रिद्म एंड सी अंडरस्टैंड दैट इट इज मेड विद ए कार्डियक फेल्योर, बी रेनल फेल्योर, सी हेपेटिक फेल्योर, डी एड्रिनल फेल्योर। तो आंसर विल बी द हेपेटिक फेल्योर। ओके, आंसर विल बी द हेपेटिक फेल्योर। ओके, पाल्मर एरिथमा जो होता है इसमें क्या होता है, रेडिनिंग ऑफ द पाम्स हो जाता है। ओके, थेनर एंड हाइपोथेनर इमिनेंसेस में क्या हो जाता है, ओके, रेडनेस हो जाता है। बेसिकली ये कितना कंडीशन में देखने को मिला, जैसा हेपेटिक फेल्योर। ओके, थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ऐसा रहेगा क्वेश्चन मिलता रहा जो किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है।